बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि दिल दुखता नहीं है। जो कई लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। आपने कह भी दिया, लेकिन एक बात जो आपने जोड़ी कि सैलजा का दिल बड़ा है लेकिन दिल दुखता भी है, और इस बार दुखा है। क्यों नहीं दुखेगा? सब जानते हैं सैलजा की पृष्ठभूमि को, राजनीतिक पृष्ठभूमि को सब जानते हैं। ऐसा मुझसे कोई भी ऐसी बात करने से पहले लाख बार सोचे। हमारी पार्टी में खेला खेल रहे हैं, बीजेपी से हाथ भी मिलाते हैं, भाई मैं तो सीधी लड़ाई लड़ती हूँ, मेरे से इस तरह का। कई बार लगता है ऐसा कि भाई हाईकमान शायद स्लो है किसी चीज़ में। आदाब नमस्कार। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, सब जगह चर्चा भी हो रही थी और सवाल भी पूछे जा रहे थे कि शैलजा जी कब आएंगी प्रचार के मैदान में। तो शैलजा जी आ गई हैं। तो शैलजा जी के तमाम इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, वो दिल्ली में हुए थे, लेकिन ये इंटरव्यू हम उनके घर में हिसार में कर रहे हैं। अभी वो तमाम रैलियाँ करके आई हैं, वो राहुल गांधी की रैली में भी थी। शैलजा जी कैसा रहा पहला दिन प्रचार में आपका? ठीक था। राहुल जी का भी पहला दिन था, पहली रैली थी असंध में, तो वहाँ जाकर आए। उसके बाद अलग से कार्यक्रम थे, लोगों में अच्छा, बहुत अच्छा रुझान। राहुल जी और आप लोगों ने क्या, राहुल जी ने कहा कि जिस दिन चलेंगे उस दिन साथ ही चलेंगे, ऐसा क्या था? डिसाइड किया था कि साथ ही करना है प्रचार या फिर? चलो, कई चीज़ें को इंसिडेंटल होती हैं। चूँकि हम लोग हिस्सा हरियाणा कवर करते रहे हैं, तो आप जब, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन शैलजा जी आप इतने सालों से राजनीति कर रही हैं, और आज भी हम राहुल जी की रैली में गए थे, तो वहाँ पर जब आपको देखा तो शायद कुछ लोगों को लगा कि नहीं वो तो आप बीजेपी जाने वाली थी, कुछ लोगों को ऐसा लगा, लेकिन बाद में बताया कि नहीं वो भाई वो तो आ गई। तो आपको लगता है कि क्या, एक तो बीजेपी ने ऑफर दिया आपको मंच से, अलग बात है, लेकिन कुछ लोग इस बात को अफवाह भी उड़ा रहे थे कि शैलजा जी बीजेपी में जाएंगे, पता है कि नहीं आपको? हाँ, मैं, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था, तो मैंने कहा कि 25 को आप ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं, 25 भी दूर नहीं है, पता चल जाएगा आपको। अच्छा मैम, पता चल गया आज। हाँ तो वो तो आपने बोला भी था। शैलजा जी ये बताइए कि आज जब यहाँ पर हिसार में आई हैं, तो कुछ लोगों ने शिकवे होते हैं कि अभी तक दिल्ली में थी आप, अपने लोगों के लड़ रही थी, जो भी है वगैरह वगैरह, तो जब वापस आप आई हैं तो कुछ लोग शिकायत शिकवे लेके भी आए कि आपके पास के नहीं? सब, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई किसी को शिकवा नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रही थी और लड़ती रहूंगी। लोग आपके साथ हैं जो थे पहले, अब भी? बिल्कुल लोग साथ हैं, मुझे इस बात का गर्व भी है कि लोग साथ हैं। जमीन पर हमने लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ेंगे, जब जिसके हक की लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो आम जनता है या हमारे वर्कर हैं या जो भी साथी हैं कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान साथी, उनकी लड़ाई जहां लड़नी होगी मैं ज़रूर लड़ूंगा। आपने बोला था एक इंटरव्यू में कि आपके फादर कांग्रेस में थे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। नो, आई नेवर सेड दैट। आई सेड 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और मेरे फादर बहुत यंग उम्र में आ गए थे राजनीति में, और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में रहे। आई नेवर क्लेम्ड दैट माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। आई हैव नेवर क्लेम्ड दैट। ओके, लोग, पीपल आर सेइंग, टेलिंग मी कि वो तो बहुत पुरानी फैमिली। नहीं, क्योंकि पुरानी फैमिली ठीक है, पुराने तो रहे हैं, कांग्रेस के निष्ठावान रहे हैं, वो तो स्टूडेंट उसमें जब लाहौर था हरियाणा का, पंजाब का कैपिटल, तब वहाँ पढ़ते थे, और उसमें वहाँ आज़ादी का वो कॉलेजेस में और एक जज्बा था, तो उसमें तो वो थे। लेकिन एज अ स्टूडेंट फिर जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तब वो फिर यहाँ आकर फिर बाकी की पढ़ाई यहाँ पर की उन्होंने, और बहुत जल्दी उन्हें भी मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, बिकॉज ही वॉज एजुकेटेड, और सौभाग्य की बात थी उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, तो और उस समय हमारे वर्ग में बहुत कम लोग पढ़ते थे, ग्रेजुएट हो पाते थे, वजीफे मिले, वजीफों के कारण ही वो पढ़ पाए, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो नेहरू जी की नज़र उन पर पड़ गई थी, तो नेहरू जी ने खुद उनको टिकट 1952 में उनको टिकट।
बीजेपी प्रचार में अपने काम नहीं बता रही है। बीजेपी प्रचार में कह रही है, अमित शाह साहब की जो पुरानी रैली थी कि शैलजा जी के साथ देखो क्या हुआ, हम चाहते हैं कि बहन शैलजा जी बीजेपी में आए, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो आप चुनावी मुद्दा है बीजेपी के लिए इस वक्त। क्योंकि उनके पास अपना मुद्दा कोई है नहीं। 10 साल का आपने देखा कि भाजपा की जो हालत हुई है, सब कुछ और मुद्दे ढूंढ रहे हैं। वो सामने से तो उन्होंने ऑफर दिया, पीछे से भी बैकडोर से भी आपको अप्रोच किया कि नहीं? कई लोगों ने 100% किया। शैलजा को सब जानते हैं, शैलजा की पृष्ठभूमि को, राजनीतिक पृष्ठभूमि को सब जानते हैं। ऐसा मुझसे कोई भी ऐसी बात करने से पहले लाख बार सोचे। नहीं, कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, किरण चौधरी ने फ़ोन किया हो आपको, आप सब जानते हैं, आपको पता है कि ठीक है, निजी हमारे निजी रिलेशंस हैं, रहे हैं और रहेंगे। मैंने बताया ना, उनकी शादी हमारे घर में हुई थी, तो वो अलग बातें हैं। उन्होंने एक रास्ता चुना, तो माय बेस्ट विशेज आर विद हर पर्सनली। उन्होंने रास्ता चुना या उनको वो रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया गया? वो भी बात है। हाँ, वो भी बात है। तो मैं चूंकि आप पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, आप यूर पॉलिटिशियन, यू आल्सो नो, आप समझते हैं क्या? आपको लगा कि आपको ही मजबूर किया जा रहा था वो रास्ता चुनने के लिए? हाँ, बहुत मजबूरियाँ। लेकिन कांग्रेस शैलजा तो मैंने पहले भी कहा, शैलजा तो कांग्रेस की सिपाही है ना, लेकिन तो मुझे कोई इस चीज़ का, बहुत थपेड़े खाए हैं, कभी विश्वास नहीं डगमगाया। नहीं, पार्टी से विश्वास नहीं डगमगाया, क्योंकि ये निष्ठा मेरी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा है, दिस इज माई पर्सनल कमिटमेंट। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी जी के साथ आपकी हैं आज, तो राहुल गांधी जी के साथ कुछ बात हुई आपकी हरियाणा को लेकर? तो अक्सर होती रहती नहीं, आज कुछ, आज भी, क्योंकि चुनावी मीटिंग थी तो बात तो कुछ फोटोग्राफ बहुत चर्चा में, एक फोटोग्राफ जब खरगे साहब, ऑप्टिक्स खरगे साहब ने, बट इज ओके, यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, यू बीन अ कैबिनेट मिनिस्टर, यू बीन सेवरल टाइम एमपीज, यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, पब्लिक लाइफ में है आप, तो होंगे ही सारी चीजें, नो प्रॉब्लम। खरगे जी आपको केक खिला रहे हैं आपके बर्थडे वाले दिन, तो सबका ये, सबने मतलब निकाला कि खरगे जी मिल रही है शैलजा जी से, शैलजा जी खरगे जी से मिल रही है, आप सब कुछ ठीक हो गया है, या पहले क्या कुछ खराब था? वही मैं पूछने वाली थी आपसे कि अब क्या ठीक हो गया, क्या खराब। देखो, देयर आर इश्यूज विद इन पार्टीज, देयर आर इश्यूज, आई विल नॉट डिनाई कि इश्यूज़ नहीं, जो टिकट वितरण में भी हुआ वो भी इश्यूज़ थे और हैं, वो दिक्कत हैं। अब उस पर मैं झूठ तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो पार्टी का मामला, अंदरूनी मामला, और जहाँ जिस फोरम में, जहाँ पर मुझे बोलना चाहिए वहाँ पर मैंने इस बात को कहा। ये तो हुई है ना बात, ये तो हुई है, जो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इस तरह की राजनीति हुई है। एक बहुत हमारे अच्छे पॉलिटिकल फ्रेंड प्रोफेशनल रिलेशन है उनसे, कांग्रेस में केंद्र में मंत्री थे, आपके कलीग थे, तो मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो वो बीजेपी में चले गए, वो सेंटर में मिनिस्टर हैं वो आज की तारीख में, तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि बताइए कांग्रेस क्यों छोड़ा आपने, तो कह रहे नहीं कांग्रेस में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कि कहते हैं यहाँ पर हम बीजेपी से कम लड़ते हैं, अंदर ज़्यादा लड़ते हैं, तो जब ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो या तो मेरी पॉलिटिकल हत्या हो जाती पार्टी में, तो मुझे अपने पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए जाना पड़ा बीजेपी के साथ। वेल, आई डोंट नो, देखो सब अपना अपना फैसला लेते हैं, मेरा फैसला जो है, मैं तो कांग्रेस में ही हूँ, और मैंने कहा ये निष्ठा मेरी है, दिस इज़ माई कमिटमेंट टू माई पार्टी, मेरे फादर की भी थी, मेरी भी थी, और आज के दिन अगर लोगों में ये बात है, लोग ये मुझे समझते हैं, और इस बात की मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती है, नॉट जस्ट इन कांग्रेस लेकिन दूसरी पार्टियों में भी रिस्पेक्ट मिलती है कि ये अपनी पार्टी की पक्की है। जैसे हम भी दूसरी पार्टी में जो कुछ लोग होते हैं जो उस पार्टी के पक्के हैं, वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, क्योंकि वो उनकी कमिटमेंट है अपनी पार्टी के प्रति, मेरी अपनी कमिटमेंट है अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति, दैट इज़ माई ओन अफेयर। आज आपकी रैली जो हुई, प्रोग्राम्स हुए, वो तस्वीरें देखी, शायद एक बीजेपी का एक मुद्दा था कुमारी शैलजा प्रचार का, वो खत्म कर दिया आपने। बीजेपी वाली बात नहीं है, बात बीजेपी की नहीं है, बात ये है कि हम काम करते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के सिपाही हैं, तो बीजेपी हो या पहले, देखो बीजेपी बाद में आई है, उससे पहले तो दूसरी पार्टियाँ भी थी, जब हम ऑपोजिशन में होते थे तो जो सत्तारूढ़ थी उनकी
जो भी गलत बातें होती थी उनको उजागर करने के लिए या अपनी पार्टी के लिए जो भी काम करना होता, तो मैं तो आई एम नॉट सो न्यू पार्टी में। 87-88 से कांग्रेस पार्टी और मेरी एंट्री ही राजनीति में, आई वाज नॉट इवन बोर्न देन। एग्जैक्टली, तो राजनीति में मेरी एंट्री ही ऑपोजिशन से हुई, पहली चुनावी हार से हुई, विच आई थिंक हार्डन्ड मी एंड टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ सीखा हमने उस हार से भी और नीचे ज़मीन पर काम करने से भी। तो ये चीज़ें हैं जो पार्टी के प्रति आपको आपकी कमिटमेंट भी बढ़ाती है और आपको लोगों के बीच में लोगों के लिए संघर्ष करना भी सिखाती है। कुमारी शैलजा का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, दिल बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि दिल दुखता नहीं है। ये एक बात है, दिल बड़ा है पर दिल दुखता भी है, ये पर बड़ा रखते हैं जो कई लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। शैलजा का दिल बहुत बड़ा। ये बात हमें पता है क्योंकि हम पॉलिटिकली जानते हैं कि आपके तमाम लोग जो टिकट चाहते थे वो बिल्कुल तैयार थे कि इंडिपेंडेंट लड़ जाएं वो, और आपने उनको समझाया और उनको नहीं लड़ने दिया। मैं जानता हूँ कुछ के नाम लेकिन नहीं लेना चाहता। हाँ, लेकिन कई हमारी पार्टी में खेला खेल रहे हैं, बीजेपी से हाथ भी मिलाते हैं। भाई मैं तो सीधी लड़ाई लड़ती हूँ, मेरे से इस तरह का। आपने लोकसभा चुनाव भी जीता है और एक ये कहा गया, ये परसेप्शन बनाया गया या बनाया जाता है कि बीजेपी से तो एक लड़ाई है ही है, वो सब बीजेपी सवाल ही पूछूंगा, पर चूंकि शैलजा जी इज नाउ सेंटर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ पार्टी में, एक कद मैं किसी सीनियर नेता से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि शैलजा जी का कद बहुत बढ़ गया, कहीं होना हो आला कमान शैलजा जी को बहुत मानता है और वो आगे जो आला कमान करना होगा करना होगा, मैंने चलिए वो तो भविष्य के उसमें है। शैलजा जी, अभी आपने बोला मैं अपने लोगों की वर्कर्स की लड़ाई बाहर भी लड़ती हूँ सड़क पर बीजेपी से और पार्टी के अंदर भी लड़ाई लड़ती हूँ, अभी मानते हैं कि चलिए सरकार कांग्रेस ही बनती है ऐसा माहौल लगता है, पता नहीं चुनाव में क्या होगा, प्रचार आप कर रहे हैं, अगर बनती है तो फिर कुछ आप लोगों के आपके भी करीबी लोग जीत करके आएंगे, तब भी मतभेद होंगे, उस वक्त शैलजा जी क्या करेंगे फिर? देखो, मेरा हमेशा से कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस आला कमान पर विश्वास रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी हाई कमांड कांग्रेस पार्टी के साथ हरियाणा में पूरा इंसाफ करेंगे। सब लोग पूछ चुके हैं सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। मैं नहीं पूछ रहा क्यों नहीं, नहीं मुझे ये ऑब्वियस है क्योंकि बार बार। हाँ, नहीं मुझे अजीब सा लगता है, अगर मैं आपकी जगह हूँ और इतने साल से, तो मेरे एस्पिरेशंस क्यों नहीं और किसी के होने भी क्यों नहीं चाहिए, सबके एस्पिरेशन होने चाहिए। पर शैलजा जी, अब ये कमिंग बैक टू बीजेपी नाउ, सैनी साहब यहाँ मुख्यमंत्री हैं, खट्टर साहब भी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह साहब भी, मोदी साहब भी, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कैंपेन में, बहुत सारे इंडिपेंडेंट उनके भी बागी हो गए और आपकी पार्टी के भी, मैं आपके करीबी हूँ या हुड्डा साहब के करीबी हूँ, किसी के भी करीबी हूँ, ये जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो कितनी मुसीबत है, कितनी मुश्किलें खड़ी करें कांग्रेस पार्टी के लिए ऑन द होल? देखो, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हैंड सिंबल ही इम्पोर्टेंट होगा कई जगह ज़रूर, जैसा मैंने इशारा किया आपको, कुछ जगह ये चल रही है, इंडिपेंडेंट खड़े किए गए हैं जिन्हें बैठाया भी नहीं गया है, ये चीज़ें चल रही हैं, पर वो हाईकमांड भी देख रहा है, आप जैसे लोग भी देख रहे हैं, मेरा कहना ठीक नहीं है। अंबाला से चित्रा सलवरा, मतलब नाम ले लेते, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। हाँ प्लीज मैम, प्लीज कंप्लीट। नहीं ठीक है, वो कोई बात नहीं, तो ये तो आप देख ही रहे हो। ये क्या मैं ये कहूँ और मैं ये आप जवाब नहीं भी दे सकती, क्या अक्सर ऐसे मोड आ जाते हैं कि पार्टी आला कमान भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाता है कि इसको संभाले उसको संभाले, फिर अपना घर बचा के रखने के लिए समझौते करता है? देखो, हाई कमांड को सही समय पर सही फैसले, कई बार लगता है ऐसा कि भाई हाई कमांड शायद स्लो है किसी चीज़ में, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल फैसले हाई कमांड को लेने पड़ते हैं और वो सही टाइम पर लेते हैं, इस बात का मुझे विश्वास। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में, मेरा याद है हमने आपसे सिरसा में बात की थी और आपने कहा था कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, और जिस समाज से आप आती हैं, आप सबकी छत्तीस बरादरी की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन उस समाज की लड़ाई भी आप लड़ रही हैं, यहाँ पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि क्योंकि भले ही आपको कांग्रेस अब दिख गया कि कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं, पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन नीचे खेमे से कि देखिए ये दलित विरोधी पार्टी है कांग्रेस, वो एक नैरेटिव है जो लग रहा है कि वो, क्योंकि मुझे लग रहा है विधानसभा इलेक्शंस में
असेंबली इलेक्शंस में 2019 के, वो दलित वोट शायद बीजेपी की तरफ ज़्यादा थे, कांग्रेस तरफ कम थे, लेकिन 2024 के चुनाव में आपको मिला। ये मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी। 2019 में जब चुनाव शुरू हुआ तो कोई मानता नहीं था कि कांग्रेस को कोई 10-15 से ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन हमने मेहनत की, दिखाया हमने, और हम 31 सीटों तक आए। नो वन मीडिया में भी और भी कोई नहीं मानता था कि हम इतनी सीट ले पाएंगे, तो उस समय भी दलित वोट कांग्रेस की तरफ आया। अभी भी मुझे विश्वास है कि दलित वोट, देखो लोकसभा में मेजर ढंग से आया, और ये विश्लेषण भी लोगों ने किया, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग जो स्टडी करते हैं इन चीज़ों को, ना केवल रिपोर्टिंग, तो और कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसका एनालिसिस किया, एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि सभी समुदायों में, बहुत से समुदायों का रुझान लोकसभा में कांग्रेस की ओर था, तो उनकी भी तुलना की गई, और उस तुलना में भी ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जो वोट किसी समुदाय ने जो दिया है वो दलित वोट दिया है लोकसभा में। ये बात थी। अब विधानसभा में मुझे पूरा विश्वास है कि हम सीटें जीतेंगे और वो हरियाणा में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि बक द ट्रेंड जो पहले होता रहा कि जो पार्टी सत्ता में केंद्र में रही वही राज्य में उसकी सरकार बनी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और हम एक नया इतिहास हरियाणा में लिखेंगे। लोकसभा चुनाव में शैलजा चुनाव लड़ रही थी, यू आर अ कैंडिडेट, हिसार में उनको दिख रहा था कि उनका एक लीडर है, वैसे छत्तीस बिरादरी की मैं पोस्टर्स देख रहा था सारे, ये अच्छा लगता है मुझे कि छत्तीस बिरादरी शैलजा के साथ मैं पोस्टर्स देख रहा था यहाँ हर हिसार में और जगह, लेकिन उस समय आपका चेहरा था कि भाई हमारी नेता शैलजा जी हैं और हमें अपने नेता को लोकसभा भेजना है, वो एक सेंटिमेंट था, क्या अभी वो सेंटिमेंट है? क्या सेंटिमेंट? कि नहीं, हमें तो हो चुका। नहीं नहीं, विधानसभा में वो सेंटिमेंट, क्योंकि अब वो आप मेरी तो इच्छा थी विधानसभा लड़ने की, और उस समय भी आपको याद होगा कि बहुत से लोग कहते थे कि अभी लोकसभा और फिर उसके बाद हरियाणा, तो मैंने कहा था कि मेरी इच्छा है हरियाणा भी, और हरियाणा में भी हमने सरकार बनानी है, ये नैरेटिव हमने सेट किया था कि क्योंकि पहले हमने यात्रा भी की, संदेश यात्रा की, और लोकसभा के बाद हमने फिर से वही सिलसिला जारी रखा, ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, और इच्छा भी मैंने जाहिर की कि मैं विधानसभा भी लड़ना चाहती हूँ, तो वो जो भी पार्टी में हुआ जैसे भी हुआ, विधानसभा चुनाव नहीं मैं लड़ी, तो जो भी फैसला हुआ, लेकिन बात ये है कि अब शैलजा तो लड़ी रही है, लड़ाई लड़ी रही है, लोकसभा में भी हमने लड़ाई लड़ी, बीजेपी के खिलाफ लड़ी और हम चुनाव जीते, अब ये लड़ाई भी है तो हमको इस लड़ाई को आगे लेकर जाना है। हर तरह का संघर्ष होता है देखो राजनीति में, विद इन एंड आउटसाइड, विद इन पार्टी भी होता है और सबका होता है, जो टिकट मांगते हैं उनका भी होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो पार्टी में निष्ठा नहीं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं ये चीज़ें। आज वो तस्वीर जब राहुल गांधी जी की एक तरफ आप हैं, एक तरफ भूपेंद्र जी हैं, और आप लोगों की बात हुई आपस में भूपेंद्र जी, और आपकी पॉलिटिकली बात तो होती रहती होगी आप लोगों की, हुई आज? नहीं, कोई विशेष नहीं, बस शिष्टाचार में तो मौका ही कोई ऐसा आगे तो स्टेज थी वहाँ पे, मुश्किल से राहुल जी आए, चढ़े, हम भाषण दिए, राहुल जी को आगे भी जाना था, एक पॉलिटिकल होती है, भीड़ होती, पॉलिटिकल संदेश तो गया कि मैं चलिए कांग्रेस पार्टी व्हाटएवर सेड एंड डन ऑन द स्टेज हम साथ साथ, ये तो मैंने पहले भी कहा था जब लोग कहते थे, तो मैंने कहा जब शीर्ष नेतृत्व आएगा तो उसमें तो होता ही है, कोई ऐसी बात कौन सी नई बात है, ये इतना शैलजा को इतना क्या समझा आपने? नहीं, शैलजा का दिल बड़ा है ये मुझे पता है, और आज आपने कह भी दिया, लेकिन एक बात जो आपने जोड़ी कि शैलजा का दिल बड़ा है लेकिन दिल दुखता भी है, और इस बार दुखा है। क्यों नहीं दुखेगा, मेरे से ज्यादा लोगों का दिल दुखा है, मैं तो फिर भी चलो मेरा एक्सपीरियंस है और अब तक काफ़ी कुछ देखा भी है, लेकिन लोगों का दिल तो दुखा ही है ना, जिन्होंने काम किया और जिनके लिए, और कई जगह जैसे टिकट वितरण भी हुआ तो हुई तो हैं ये बातें। अब मैं जैसे आपने कहा, मैं भी जगह जगह के नाम तो क्या लूँ,
लेकिन हुआ तो है। आला कमान, आपने कहा कि सही समय पर सही निर्णय लेगा। आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल सवाल होता है, लेकिन कुछ परंपराएं होती है ना, वो परंपराएं नहीं तोड़नी चाहिए। ओके, वो आपका काम है, आप करो, जरूर करो। नो हार्म। योर प्रेडिक्शन फॉर हरियाणा असेंबली इलेक्शंस? वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट्स माय प्रेडिक्शन। फॉर्म द गवर्नमेंट वेरी 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 कंफर्टेबली विद अ गुड मेजोरिटी। फिर उसके बाद अगर हुआ तो फिर एक और लड़ाई शैलजा को लड़नी पड़ेगी। तो शैलजा क्या लड़ाई लड़ेगी, तो हाईकमांड को देखना होगा। लड़ाई तो क्या इसमें तो है, जो स्थिति है ये फैसला देखो हाईकमांड का होता है, और हाईकमांड कैसे फैसला लेता है ये उनके ऊपर निर्भर। शैलजा जी से बात करके बड़ा हमेशा अच्छा लगता है, और शैलजा जी ना घुमा घुमा के कभी कोई बात नहीं कहती हैं, जो बात कहनी होती है वो बात वो कह देती हैं। मुझे याद है लोकसभा इलेक्शन में हमने शैलजा जी से पूछा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी को बुलाएंगे कैंपेन में, बोला कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो शैलजा जी इज़ ऑलवेज बीन ऐसी ही हैं, लेकिन आज जो शैलजा जी ने बात बोली, शायद बहुत सारे और लोग पार्टी के कांग्रेस को छोड़ करके गए, शायद वो बड़ा दिल नहीं रख पाए, लेकिन शैलजा जी ने साथ में कहा कि दिल दुखता भी है, लेकिन शायद पार्टी, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई पार्टी चलती है तो उनके लॉयल नेताओं से, लॉयल कार्यकर्ताओं से। ये एंडिंग ठीक है ना? ठीक करी मैम। देखो, निष्ठा के बिना आप अगर जहाँ काम कर रहे हैं, आपकी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति निष्ठा नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू डू योर जॉब प्रॉपरली विद योर हार्ट। तो निष्ठा के बिना, अगर निष्ठा मेरी नहीं है देन आई माइट एज वेल लीव। निष्ठा है तो आई एम इन दिस पार्टी। समझौता करके भी निष्ठा है लेकिन आपकी? देखो, कई बार कई चीज़ों के साथ होता है, हमारे से पहले सदियों से कर रहे हैं लोग। शैलजा जी, विद फ्यू हेल्पिंग वर्ब्स आई वुड रादर से, सो बट अगेन एट द एंड वी ऑल आर स्माइलिंग एंड दिस इज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, इलेक्शंस आर द फेस्टिवल इन आवर कंट्री। तो शैलजा जी हमारे साथ अनफिल्टर्ड हमेशा की तरह, वैसे वो अनफिल्टर्ड ही होती हैं जब भी होती हैं। मैम, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम। बट आई मस्ट से, यू नो, द यंगर जनरेशन इन व्हिचएवर कम्युनिटी, बेशक हमारी कम्युनिटी है, दे आर लर्निंग टू थिंक differently now. पहले और होता था, पहले जैसे पुराने ज़माने में था, चुनाव होते थे, पुराने लोग बताते हैं, मेरे फादर के समय के, अब तो कम रह गए हैं, तो या छोटे थे उस समय, कहते हैं जी पहले महीनों महीनों चुनाव चलते थे, लंबे लंबे चुनाव चलते थे, चुनाव डिक्लेयर हो जाता था तो आते थे यहाँ पे, मौसेज लोगों की मीटिंग हो जाती थी कि भाई चुनाव आने वाला है, सारे काम पे लग जाओ, वो लग जाते थे और कहते जी जीत जाते थे। बट नाउ हर घर में, चाहे वो दलित हैं या और हैं जो भी, बच्चे देखते हैं, सोचते हैं बहुत सी बातें, दे थिंक ऑफ द फ्यूचर, दे थिंक ऑफ सोसाइटी, दे थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक देर इज़ होप फॉर फ्यूचर। वन मोर क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू आस्क, वो खत्म होते होते एकदम से अचानक से याद आ गया, मैं रास्ते में होता ना सोचता है सवाल पूछना भूल गया। रैली में देख रहा हूँ कि दीपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी को, चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, पार्टी ने कोई कैंडिडेट दिया नहीं है, लेकिन ये प्रचार कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी मान के बैठी है कि हम सरकार बना रहे हैं, आप भी कह रही हैं बना रहे हैं, लेकिन वो नतीजे बताएंगे। ठीक है, लेकिन हवा का रुख हम देख रहे हैं, समझते हैं तो, लेकिन सीएम कैंडिडेट तो कोई अभी पार्टी के अलग डिसाइड किया नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो तो किया नहीं है। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाना है, कार्यकर्ता कह रहे हैं दीपेंद्र जी को बनाना है नीचे, तो ये चल रहा है। Let them first decide amongst themselves. And what about party high command? Party high command, I don't know. I mean, what can you say? Party command, high command has made it very clear that this will be done after the election. That's the way it is in our party. You know, that's the way it's done. तो शायद जी कह रहे हैं जो भी होगा पार्टी आला कमान ने नहीं कहा, लेकिन देखिए perception होता है, पोजिशनिंग होती है, वो हर पार्टी करती है। शैलजा जी एज यूजुअल विद लाफ्टर, और उन्हें हंसी से बात टाल ली, लेकिन कभी कभी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कहती है। तो बस इसी बात पर हम लोग इंटरव्यू खत्म करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।